Hello students, our today's topic is net indirect tax. Last video में हमने depreciation को पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे net indirect taxes. Net indirect tax refers to the difference between indirect taxes and subsidies. जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है बेटा, वो डिफरेंस होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज का. अब बात ये आती है कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो क्या होते हैं और सब्सिडीज क्या होती हैं. देखो बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस, बेटा जो टैक्सेस जो होते हैं वो टू टाइप से होते हैं. एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स वो होता है बेटा जिसके ऊपर इम्पोज होता है, वो उसी को पे करना होता है. जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स अगर पर्सन ए के ऊपर इम्पोज हुआ तो पर्सन ए ही उसको पे करेगा, मतलब वो अपने टैक्स का बर्डन किसी दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता. ओके, अब हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स की. तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब बेटा इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो एक तो प्रोडक्शन के ऊपर लगते हैं, एक गुड्स एंड सर्विसेज की सेल पे लगते हैं. अब हमने ये कहा बेटा कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज होते हैं, लेकिन इनको इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो बर्डन होता है वो हम किसी दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जीएसटी. ठीक है, तो हमने क्या कहा बेटा, जो पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसमें एक्साइज टैक्स होता था, वैल्यू एडेड टैक्स था, सर्विस टैक्स था, लेकिन जब से जीएसटी आई है उसने बहुत सारे टैक्सेस जो हैं वो जीएसटी में इन्वॉल्व हो गए, इसलिए हम इनडायरेक्ट टैक्स में अब क्या पढ़ते हैं, जीएसटी को पढ़ते हैं. ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर जीएसटी गिवन है और अदर इनडायरेक्ट टैक्स भी गिवन है तो आपको क्या करना है, जीएसटी को ले लेना है, क्योंकि जीएसटी में ऑलरेडी जो अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, फॉर एग्जांपल एक्साइज टैक्स है, या फिर वैल्यू एडेड टैक्स जिसको वैट बोलते हैं, या फिर सर्विस टैक्स है, ये तीनों टैक्स जो होते हैं ना बेटा वो जीएसटी में इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं अगर उसमें आपके क्वेश्चन में जीएसटी गिवन है तो आप जीएसटी ले लेंगे, क्योंकि एक्साइज टैक्स, वैट और सर्विसेज इसी का ही पार्ट होते हैं. ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स वो वाले टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज होते हैं गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन पे और सेल पे. ये वो वाले टैक्स होते हैं जिनका बर्डन हम किसी दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं. एज यू नो वेरी वेल, जैसे प्रोडक्शन के ऊपर जो टैक्स लगता है तो उसका बर्डन किसके ऊपर आता है, कंज्यूमर के ऊपर आता है, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया. नेक्स्ट थिंग है बेटा सब्सिडीज. सब्सिडीज क्या होती है बेटा? सब्सिडीज आर द इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट. बेटा सब्सिडीज जो होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से एक आर्थिक सहायता होती है, वो फर्म्स को भी हो सकती है, हाउस होल्ड को भी हो सकती है. गवर्नमेंट का टारगेट होता है जनरल वेलफेयर करना, लोगों का वेलफेयर करना. अब बेटा आपको पता ही है, जैसे हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर आते हैं वो किस रेट पे आते हैं, सब्सिडाइज रेट पे आते हैं, क्योंकि उनके ऊपर हमें क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है. अब क्या है बेटा, जैसे कि गवर्नमेंट जो है ना वो सब्सिडी लगाने का जो तरीका होता है ना गवर्नमेंट का, वो कैसे होता है, देखो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीबीटी पढ़ा होगा आपने, प्लस वन में एक छोटा सा एक बॉक्स में डाल रखा था सीबीटी क्या होता है. देखो बेटा, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के पास 4 कस्टमर है, ठीक है, इन द इकोनॉमी देर इज ओनली 4 कस्टमर. अब जो ए पर्सन है वो बहुत ज्यादा रिच है, बी पर्सन है वो भी बहुत ज्यादा रिच है,
लेकिन सी और डी पर्सन जो है वो बिल्कुल पुअर है, जो फार्मर है बेचारे, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, अब एलपीजी जो था उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सब्सिडीज डिसाइड कर दी। अब गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा, गवर्नमेंट जब ये लोग सिलेंडर लेने जाएंगे तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनको कहती है कि आप जितना भी सिलेंडर की जो मार्केट वैल्यू है वो आप पे करेंगे। आफ्टर दैट क्या करती है बेटा, गवर्नमेंट ने सबको एनालाइज कर रखा है कि किसकी इनकम कम है, किसकी इनकम ज्यादा है, क्योंकि सबके खाते किससे लिंक हो रहे हैं, आधार कार्ड से लिंक हो रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो राशन कार्ड वगैरह दे रखे हैं वो इनकम के बेस पे बना रखे हैं, तो गवर्नमेंट को पता होता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो सब्सिडी की रेंज में आ रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये सब जो है मार्केट वैल्यू वन टाइम पे कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर जो है वो 1,000 रुपए का है और उसके ऊपर 30% सब्सिडी मिल रही है, मतलब 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, वन टाइम पे तो ये चारों कस्टमर जो है वो पे करेंगे, किसको, जो भी एजेंसी है वहां पे करेंगे 1,000 रुपीज। आफ्टर दैट क्या होगा बेटा, गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, जो पर्सन सब्सिडी लेने वाली कैटेगरी में आते हैं वो कौन हो गए, सी एंड डी हो गए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा, इनके अकाउंट्स में 300 रुपीज ट्रांसफर कर देगी। इसको बोलते हैं बेटा सीबीटी, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, हमने ये कहा कि सब्सिडीज क्या होती है, सब्सिडीज आर द इकोनॉमिक असिस्टेंस, क्या होती है, गवर्नमेंट की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है, फर्म्स को भी दी जाती है बेटा और हाउस होल्ड सेक्टर को भी दी जाती है। लेकिन गवर्नमेंट का टारगेट क्या होता है, जनरल वेलफेयर करना। गवर्नमेंट फर्म्स को क्यों दे रही है सब्सिडीज, ताकि जिन गुड्स की ज्यादा डिमांड है, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए है, तो उनसे क्या होगा, गवर्नमेंट अगर फर्म्स को सब्सिडी दे देगी तो फर्म उनको ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगी, तो क्या होगा, इकोनॉमी में वेलफेयर की सिचुएशन क्रिएट होगी। सेम ऐसे ही बेटा हाउस होल्ड जो होते हैं उनके लिए नेसेसरी गुड्स जो होते हैं, अगर वो मार्केट रेट उनकी ज्यादा रहेगी तो हाउस होल्ड उनको परचेज नहीं कर पाएंगे, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जनरल वेलफेयर के लिए क्या करती है, उनको सब्सिडाइज रेट पे अवेलेबल करवाती है, ताकि जो नेसेसरी गुड्स है वो जो आम जनता है उनके पास पहुंच सके। अब बेटा एक चीज ध्यान में रखनी है, देखो जो टैक्सेस होते हैं ना उनसे क्या होता है, जो मार्केट प्राइस होती है ना गुड्स की वो इंक्रीज होती है, ठीक है। लेट सपोज एक गुड है 500 रुपीज का, उसके ऊपर 10% टैक्स लग गया, इसका मतलब 500 का तो वो था और 50 रुपीज टैक्स के हो गए, इसका मतलब वो कितना हो जाएगा, 550 रुपीज का हो जाएगा। तो टैक्स क्या करते हैं बेटा, टैक्स जो है मार्केट वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, पर्टिकुलर कमोडिटी की जो मार्केट वैल्यू उसे इंक्रीज करते हैं, और सब्सिडीज जो होती है वो क्या करती है, मार्केट वैल्यू को डिक्रीज कर देती हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, सब्सिडीज से क्या होता है, लोगों को कम पैसा पे करना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग है बेटा हमारी, अब हमने क्यों पढ़ा इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज को क्यों पढ़ा हमने, क्या है बेटा, हमने ये कहा कि हमने जो नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ने हैं उसमें हमने एक तो फैक्टर कॉस्ट को पढ़ना है, एक मार्केट प्राइस को पढ़ना है, तो जो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करने वाला फैक्टर है ना वो क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज, व्हेन आईटी माइनस सब्सिडी देन वी गेट द वैल्यू ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, देखो बेटा पहले फैक्टर कॉस्ट वो समझेंगे, हमने कहा इट रेफर्स टू अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, अब आपको पता है बेटा हमने कहा था कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्राइस
प्रोडक्शन प्रोसेस। आपको पता है कि हम जब एक फर्म जो है वो अगर प्रोडक्शन करती है तो उसको क्या चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अपना जो भी सर्विस रेंडर कर रहे हैं उसके बदले में जो फर्म है उसको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। क्या लैंड को क्या देगी, रेंट, लेबर को वेजेस, और कैपिटल पे इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो ये क्या हो गया, ये एक्सपेंडिचर इंकर हुआ प्रोड्यूसर के द्वारा। क्यों हुआ, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विस दी थी जिसकी हेल्प से जो फर्म्स हैं या फिर प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर पाया। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट पे करनी पड़ेगी, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया है प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो हम क्या कहेंगे, इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है बेटा हमारी मार्केट प्राइस। इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। अब आपको पता है बेटा ये क्या होती है, ये प्रोडक्ट की वो प्राइस होती है जिसके ऊपर वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल होते हैं, दैट इज मार्केट प्राइस। अब देखो इस चीज को ध्यान से समझना है, ये क्या करता है, इट इंक्लूड, ये क्या करता है, इट इंक्लूड द इनडायरेक्ट, द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एक्सक्लूड एक्सक्लूड द सब्सिडीज। ये क्या करता है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करता है और सब्सिडीज को एक्सक्लूड करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहा कि एक प्रोडक्ट जो है वो 500 रुपीज का है, उसके ऊपर 10% टैक्स लग गया। तो 500 रुपीज का प्रोडक्ट है, उसकी क्या है, ये फैक्टर कॉस्ट है, मतलब इतनी लागत पे वो प्रोडक्ट तैयार हुआ, इट इज द फैक्टर कॉस्ट। आफ्टर दैट हमने कहा कि उसके ऊपर 10% टैक्स इम्पोज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अब उसकी जो मार्केट रेट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 550 हो जाएगी, कि 500 का 10% 50 हो गया, तो 550। लेकिन क्या कहा, वो नेसेसरी प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या दे दिया, सब्सिडी दे दी। लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी बेटा 10 रुपीज की, तो क्या होगा, सब्सिडी क्या हो जाती है, एक्सक्लूड हो जाती है ना, उनको क्या करेंगे, हटा देंगे उसमें से। तो अब क्या हो गया, वो प्रोडक्ट कितने रुपए का बिकेगा, 540 रुपीज का बिकेगा। अब देखो आपको क्या समझना है, आपने ये समझा कि यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, टैक्स और सब्सिडीज की वजह से हो रहा है। तो हमने ये कहा कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं बेटा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। आपने ये कहा कि मार्केट वैल्यू में इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, और सब्सिडीज क्या हो जाती है, एक्सक्लूड हो जाती हैं। इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट प्राइस में जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू है वो इंक्लूडेड है।
ठीक है, हमने क्या कहा, जो मार्केट प्राइस में जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू है वो इंक्लूडेड है, क्योंकि देखो आपने क्या कहा, अभी आपने कहा था टैक्स कितना हो गया 50 रुपीज का, और सब्सिडी कितनी हो गई 10 रुपीज की, तो डिफरेंस कितना हो गया 40 रुपीज का हो गया, 50 माइनस 10 40 रुपीज का हो गया, जबकि फैक्टर कॉस्ट कितनी थी 500 की, तो 40 ऐड करके तो मार्केट प्राइस आई। इसका मतलब जो मार्केट प्राइस है उसमें एनआईटी क्या होता है, इंक्लूडेड होता है, लेकिन फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी इंक्लूड नहीं होता। इसका मतलब अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाएंगे, मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट बनाएंगे तो हम क्या कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उनको लेस कर देंगे, और मार्केट प्राइस से अगर हम फैक्टर कॉस्ट बनाएंगे तो, और अगर फैक्टर कॉस्ट से हम मार्केट प्राइस बनाएंगे तो क्या कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे। तो बेटा ये था आपका फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपको काम आएगा आगे जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तब। अब एक बात ये आती है बेटा, अगर ओनली इनडायरेक्ट टैक्स दिया हो या फिर ओनली सब्सिडी दी हो तब आप क्या करेंगे। जैसे हमने कहा कि मार्केट प्राइस में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का जो डिफरेंस होता है वो इंक्लूडेड होता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनानी है, तो आप क्या करेंगे बेटा, आपने अभी अभी कहा क्या करेंगे, आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस करेंगे, ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज कि आपके पास ओनली सब्सिडीज गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, इसके अंदर आप क्या वैल्यू पुट करते हो, आईटी माइनस क्या करते हो, सब्सिडी। तो इट मींस क्या हो गया, अगर इस फॉर्मूला को आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आईटी और प्लस सब्सिडी, है ना। तो आप क्या कर देंगे, क्योंकि आईटी आपके पास गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, मार्केट वैल्यू में जब आप सब्सिडीज को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अगर आईटी होता तो उसको लेस कर देते, और अगर यहां से वापस चलेंगे तो ये जो फंक्शन है ये रिवर्स हो जाएगा, जो ऐड होना है वो लेस हो जाएगा और जो लेस होना है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी थी। जैसे आपको पता है कि आपकी बुक में ये क्या रखा है बेटा, सब्सिडी जो होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से इकोनॉमिक असिस्टेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, ठीक है। तो अभी क्या है, क्या डिफरेंस होता है बेटा इकोनॉमिक असिस्टेंस में और फाइनेंशियल असिस्टेंस में। देखो बेटा, सबसे पहले आप सब्सिडीज को दोबारा समझेंगे, आफ्टर दैट हम इकोनॉमिक असिस्टेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस पे आएंगे। बेटा सब्सिडीज जो होती है, सब्सिडीज जो होती है इज अ मनी दैट द गवर्नमेंट पे टू द हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन और टू कीप द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सर्विस लोअर। मतलब क्या होता है बेटा, ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती है गवर्नमेंट, या फिर कस्टमर्स की हेल्प के लिए क्या करती है, उनको आर्थिक सहायता देती है ताकि उस पर्टिकुलर सर्विस की वैल्यू क्या रहे, कम रहे। तो सब्सिडीज क्या होती है, सब्सिडीज आर इनिशिएटिव्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू बूस्ट अप द प्रोसेस। मतलब क्या हो, गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव होता है ताकि क्या उसके जो ग्रोथ प्रोसेस है वो बूस्ट हो सके। तो क्या कहा, सब्सिडीज और गवर्नमेंट इनिशिएटिव इज द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एड और सपोर्ट, क्या होता है, सिर्फ एक सपोर्ट के लिए दिया जाता है, ठीक है, एक्सटेंडेड टू एन इकोनॉमिक सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर को के लिए दिया जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्सिडीज जो है वो क्या होती है, इकोनॉमिक असिस्टेंस होती है, गवर्नमेंट की तरफ से आर्थिक सहायता होती है। बेटा जो सब्सिडीज होती है बेटा, उसके बहुत सारे टाइप होते हैं, प्रोडक्शन के ऊपर सब्सिडी दी जाती है, कंजप्शन के ऊपर सब्सिडी दी जाती है, एक्सपोर्ट के ऊपर सब्सिडी दी जाती है, इम्पोर्ट के ऊपर सब्सिडी दी जाती है, ये बहुत सारी चीजें हैं। आपको इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है, हमें जो समझना है वो क्या समझना है, इकोनॉमिक असिस्टेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। देखो बेटा, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो होती है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंस इज एनी टाइप ऑफ मॉनेटरी हेल्प, किसी भी प्रकार की हेल्प जो होती है ना बेटा वो फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है। कैसे,
चाहे वो एक पर्सन ने एक पर्सन को दी हो, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइजेशन को दी हो, या फिर गवर्नमेंट को रिसीव हुई हो किसी अदर कंट्री से, किसी कंट्री से ग्रांट मिल गया है ना, किसी कंपनी कंट्री की तरफ से कोई भी फाइनेंशियल हेल्प मिल गई, तो क्या आएगी? फाइनेंशियल असिस्टेंस आएगी। ठीक है, अब हमने कहा इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ गारंटी। एक पर्सन एक दूसरे पर्सन को गारंटी देता है कि भाई आपको डेफिनेटली इतना प्रॉफिट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या कह रहा है वो, एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्ट कर रहा है, उसको लोन दे रहा है किसी पर्सन को, गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे रही है, ग्रांट्स दे रही है गवर्नमेंट, तो ये क्या हो गए? फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गई। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इस चीज को ध्यान से समझो, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो होती है बेटा एक ब्रॉड कंसेप्ट है ना, लेकिन इसका पार्ट क्या होती है? सब्सिडीज होती है। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में क्या है, इसने ये कहा है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है पर्संस को और ऑर्गेनाइजेशंस को, तो उसको क्या बोलते हैं? सब्सिडी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने क्या कहा, सब्सिडी जो होती है वो क्या होती है? इकोनॉमिक असिस्टेंस होती है, जो गवर्नमेंट इकोनॉमिक सेक्टर को देती है ताकि जो ग्रोथ प्रोसेस है वो बूस्टअप हो सके। ठीक है, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्प होती है, इकोनॉमिक असिस्टेंस, एक इकोनॉमिक हेल्प होती है, आर्थिक सहायता होती है ताकि ग्रोथ प्रोसेस बूस्टअप हो सके और जो पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज है उनकी वैल्यू कंपेरेटिवली लो हो सके। ठीक है, ये था आपका सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स एंड फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को आपस में कन्वर्ट करने के लिए जो फैक्टर होता है, दैट इज इनडायरेक्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, तो ये था आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके।